हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाय आनंद। तो मैं उत्तराखंड के प्यारे साथियों, उत्तराखंड में कोऑपरेटिव बैंक में ग्रुप डी की जो भर्ती सन 2020 में आई थी मित्रों, यह भर्ती किस तरह से धांधली के भेड़ चढ़ी आप सभी लोगों को मालूम है। हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, काफ़ी टाइम से सुनवाई में सुनवाई होती रह रही है और कोर्ट भी हमारा फाइनल डिसीजन इस भर्ती पर नहीं ले रहा है। अंतिम डिसीजन के लिए राज्य सरकार को 2 दिन का टाइम हाईकोर्ट ने इस भर्ती के लिए दिया है। 2 दिन के भीतर जाँच रिपोर्ट राज्य सरकार को करनी होगी। चलिए इस खबर को पढ़ते हैं। तो सहकारी बैंक में ग्रुप डी की भर्ती के लिए 2 दिन में राज्य सरकार को पेश करनी होगी अपनी जांच रिपोर्ट। तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांगी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने प्रदेश में जिला सहकारी बैंक में ग्रुप डी की भर्तियों में अनियमितताएं हुई थी उसके खिलाफ जो याचिका थी उस पर बीते दिन सुनवाई की और राज्य सरकार को 2 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। मेरे प्यारे मित्रों, आपको पता था कि यह इस भर्ती के जो पद थे किस तरह से रिश्तेदारों को बटे थे आप सभी लोगों को मालूम है। और यह ग्रुप डी की भर्ती थी, काफ़ी लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था। जिला सहकारी बैंकों में ग्रुप डी की भर्ती यह होनी थी हम मित्रों हमारी, बट कैसे यह रिश्तेदारों और मोटी रकम देने वालों के भेंट यह भर्ती चढ़ गई आप लोगों को मालूम था। तो अंतिम खबर यही है कि उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक में जो ग्रुप डी की भर्ती हुई थी जिस पर राज्य सरकार 2-3 वर्ष से जांच करवा रही है, इसकी जांच रिपोर्ट 29 सितंबर को पेश करने को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस पर और कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।